नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आशा करती हूं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेल एज यू नो कि आज हमारे देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ की हर जगह किल्लत हो रही है। तो ऐसे में बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना खूब सारा ख्याल रखें, हमारे शरीर में किसी भी विटामिन मिनरल की कमी ना हो, हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, साथ ही साथ हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करते रहें, ताकि इस हालत में किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत ना पड़े, हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े और हम खुद को और अपनों को हेल्दी रख सकें, इस बीमारी से बचा सकें। वेल, इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो पिछले एक सवा साल से मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरी फैमिली फॉलो कर रही हूँ एंड आशा करती हूँ कि आप भी ज़रूर फॉलो करेंगे, ताकि हम इस क्राइसिस को और ना बढ़ाएं और अपना ध्यान रख सकें, खुद का ध्यान रख सकें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आज से ही करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम सब मिल करके कोरोना को हरा सकें। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू कर रही हूँ ये वीडियो। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नस्य क्रिया एंड नाभि क्रिया। यू नो, आयुर्वेदा में ये दोनों चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं आपकी लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कि सभी जो भी आयुर्वेदा को जानते हैं, नेचुरोपैथी में जो बिलीव करते हैं, वो डेफिनेटली ये चीज़ें करते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आयुर्वेदा की सबसे फेमस बुक चरक संहिता में महर्षि चरक ने लिखा है कि जब भी वायु दूषित हो जाए तब आप नस्य क्रिया और नाभि क्रिया ज़रूर करें। नस्य क्रिया क्या है? जितना इसका नाम कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ये क्रिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और नहाने के बाद सुबह उसे अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में इस तरह से लगा लेना है एंड ये देखिए इस तरीके से लगा लीजिएगा, ये नस्य क्रिया है। अगर आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में सरसों का तेल नहाने के बाद लगा लेते हैं तो आपके नोज से वो वायरस अंदर नहीं जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। और दूसरी चीज है नाभि क्रिया। नाभि क्रिया क्या है? बस जैसे नहाने के बाद अपने नोस्ट्रल्स में तेल लगाया, वैसे ही आपको अपने नेवल में भी एक से दो ड्रॉप्स सरसों के तेल के लगाने हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो नाभि है वो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों से जुड़ी हुई है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो नाभि के द्वारा ही उसे पोषण मिलता है, नाभि के द्वारा ही उसका शरीर बड़ा होता है। और जन्म लेने के बाद भी ये नाभि बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करती है, उन नसों के साथ जुड़ी रहती है। तो अगर आप नाभि को पोषण देंगे, नाभि को नरिश करते हैं तेल लगा करके, तो डेफिनेटली ये आपके शरीर में जो भी आप खा रहे हो तो उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करती है और आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी अच्छा रखती है। आपके बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते हैं, आंखें आपकी चमकदार रहती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सही तरीके से काम करता रहता है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो नेवल ऑयलिंग के बहुत सारे फायदे हैं, कभी डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस टाइम पर नेवल ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस वायरस से बच रहें। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह या शाम, खाना खाने के आधे घंटे का गैप होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। अगर आप प्राणायाम नहीं भी कर सकते तो डीप ब्रीदिंग करें, अपने पूरे पेट तक सांस भरें, होल्ड करें एंड देन बहुत अच्छे से रिलीज करें। होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो सिर्फ 50-70% लंग्स का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे नीचे वाले जो लंग्स होते हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं, लंग्स का 100% यूज़ करते हैं, जिससे कि लंग्स हेल्दी होते हैं। और अगर आपको कोरोना होता भी है तो इतना ज़्यादा घातक नहीं होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके लंग्स के लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी टाइम मिले 10-15 मिनट आपने डीप ब्रीदिंग ज़रूर करनी है। तीसरी चीज़ है हल्दी और नमक की स्टीम। अपने घर में स्टीमर ज़रूर रखिए, इसमें पानी भरिए, इसमें 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी आप डालिए और नमक और हल्दी के पानी की स्टीम ज़रूर लीजिए। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमेशा हेल्दी रहेगा, वायरस बैक्टीरिया से आप बचे रहोगे। तो जैसे आप सैनिटाइजर से बार बार
हाथ सैनिटाइज करते हो ना, वैसे ही ये स्टीमर, इससे ली गई स्टीम आपके नोज का, आपके गले का और आपके लंग्स का सैनिटाइजर है। तो स्टीम जरूर लेनी है, चाहे आप 5-7 मिनट ही लो, रोजाना स्टीम लो। कोरोना हो गया है तो आप ज्यादा टाइम लेंगे, नॉर्मली अगर कोरोना नहीं है, प्रिकॉशन के लिए ले रहे हो, तो 5-7 मिनट्स के लिए आपने स्टीम जरूर जरूर लेनी है। वैसे तो बाहर कम से कम निकलिए, लेकिन अगर बहुत जरूरी काम भी है तो आप डबल मास्किंग करके जाइए। डबल मास्किंग यानी पहले आपने एक मास्क लगा लिया, उसके ऊपर दूसरा मास्क लगा लीजिए। ये डबल मास्क सील की तरह से काम करेगा और वायरस को आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर घुसने से रोकेगा, इसलिए डबल प्रिकॉशन लेकर के घर से निकलिए। नेक्स्ट थिंग इज सुपर फूड। यू नो, अपनी डाइट में कोई ना कोई एक सुपर फूड जरूर जरूर इंक्लूड कीजिए, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स हमें नॉर्मल खाने से नहीं मिल पाते हैं, नॉर्मल डाइट से नहीं मिल पाते हैं, वो सुपर फूड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड इस टाइम पर बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट जो मैं पिछले 1-1.5 साल से ले रही हूँ, दैट इज स्पिरुलिना। स्पिरुलिना को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए, और WHO ने भी स्पिरुलिना को वर्ल्ड का नंबर वन सुपर फूड माना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन का खजाना है, विटामिन्स का खजाना है और आयरन कैल्शियम से भरपूर है ये। इसका 60% प्रोटीन होता है एंड इसमें पालक से ज्यादा आयरन है, गाजर से ज्यादा बीटा कैरोटीन है, सोया से ज्यादा प्रोटीन है और दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है। अगर आपको हमेशा आलस, सुस्ती, थकान रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, या बाल गिर रहे हैं, या स्किन पर ग्लो नहीं है, या फिर इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, या आपकी मसल्स बहुत वीक है और आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू यू। और इस टाइम पर तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें 10+ विटामिन्स है, 10+ मिनरल्स है और 60% प्रोटीन है, जैसे कि मैंने बताया आपको, और वीगन सोर्स है ये। किसी भी वेजिटेरियन सोर्स से आपको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जितना कि आपको स्पिरुलिना से मिल पाता है, और आपकी जेब पर भी बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ता है। सप्लीमेंट बहुत इकोनॉमिकल है, कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स दोनों फॉर्म में अवेलेबल है ये। एक कैप्सूल या एक टैबलेट आपको सुबह नाश्ते के बाद लेना है, और एक कैप्सूल या एक टैबलेट आपको रात को सोते हुए लेना है, एंड ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है तो उसको पूरा करेगा, और साथ ही साथ जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, आलस, सुस्ती, थकान, कमजोरी, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। स्पिरुलिना खरीदते हुए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि स्पिरुलिना जब भी यूज करें वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। वेल, मैं यूज करती हूँ सुनोवा का ऑर्गेनिक स्पिरुलिना, सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जरूर दे दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे अपने लिए खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर की और हस्त मुद्रा की, जो आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पैसे का, बिना खर्चे का इलाज है ये, जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को भी सुधारता है। तो सबसे पहले हस्त मुद्रा बताऊंगी, दैट इज सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जो सभी तरह की एनर्जीज का सोर्स है, ये आपके शरीर को एनर्जी से भर देता है, साथ ही साथ आपके शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है, जो किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत बहुत कारगर है। तो सूर्य मुद्रा कैसे बनानी है, जस्ट आपको अपनी रिंग फिंगर को थंब के बेस पर रखना है इस तरह से, और ऊपर से थंब रख देना है। ये देखिए, ये मुद्रा 5-7 मिनट के लिए भी अगर आप बना लेते हो तो आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट को भी ये हाई करेगी और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताऊंगी, जो कि आपके ऑक्सीजन लेवल को अप करेंगे, लंग्स की फंक्शन को सुधारेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखेंगे और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। तो फर्स्ट 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, वो आपकी इंडेक्स फिंगर पर है, फर्स्ट वाले जॉइंट से नीचे की तरफ है ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये लंग्स के लिए काम करेंगे, लंग्स की कार्यक्षमता को सुधारेंगे। एक है ये और दूसरा है ये, एक दूसरे के नीचे हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये देखिए, एक दूसरे के नीचे हैं, फर्स्ट जॉइंट के नीचे और थंब वाली साइड पर है, इंडेक्स फिंगर पर। ये आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन कम होती जा रही है तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे, लंग्स की कार्यक्षमता को सुधारेंगे। बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे स्टिमुलेशन देना है आपने, किसी पेन या पेंसिल की टिप से दे सकते हो या फिर अपने नेल से हल्का हल्का यहाँ दबाओगे, इस तरीके से ये स्टिमुलेशन दोगे तो आपके लंग्स की कार्यक्षमता सुधरेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और उसके अंदर जमा हुआ कफ बलगम बाहर निकलेगा। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हाथों में आपने दबाने हैं, ठीक है, राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी, दोनों हाथों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं। दबाने कितनी देर के लिए है, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक दबाएंगे ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स।
और जो थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो आपकी हथेली के जस्ट बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसको आप फिंगर से इस तरह से दबा सकते हैं या फिर पेन की टिप से इस तरह से दबाएंगे। 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको दबाना है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ को सुधारेगा। तो ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपने दबाने हैं। साथ ही साथ स्माइल को कभी मत भूलिएगा। यू नो लाफिंग थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हंसने से, मुस्कुराने से कैंसर सेल्स भी मर सकते हैं, तो फिर ये कोरोना क्या चीज है। तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परिस्थिति आए, आई नो दिस इज अ पैनिक कंडीशन, आई नो एवरीवेयर यू सी देयर इज पेन, देयर इज पैनिक एंड देयर इज स्ट्रेस। सो लेकिन हमने घबराना नहीं है, अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखनी है, मुस्कुराते रहना है, एंड यही मुस्कुराहट हमारी ज़िंदगी में भी मुस्कुराहट लेकर के आएगी और हम एक दिन इस कोरोना को हरा पाएंगे। सो कीप योर स्पिरिट्स अप एंड फॉलो दीज स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। हार्डली 10-15 मिनट का टाइम आपका पूरे दिन में लगेगा, लेकिन सभी पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, वाइटल ऑर्गन्स आपके सही तरीके से काम करेंगे, और इस सुपर फूड को ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में ताकि विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह की कमी ना हो आपके शरीर में और आपके शरीर के सभी ऑर्गन सही तरीके से काम करते रहें। तो फॉलो कीजिए ये सभी पॉइंट्स और अपनी हेल्थ को दुरुस्त कीजिए। ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसे दबाइएगा और फिर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आपको दबाना है ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, ब्लेसिंग्स दीजिए लोगों को, और किसी की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बाय बाय।